हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं शुक्र जगह मेरा फिजिक्स बीज चैनल। बच्चों, आप पिछली क्लास में मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बात की थी कि नीट और जेई का जो सितंबर वाला जो सिनेरियो है वो, क्योंकि हमें 2 हफ्ते पहले पता है रमेश पोखरियाल जी ने जो कहा, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए और पोस्टपोन कर दिया भी गया। मतलब ये कहा कि सितंबर तक एग्जाम जो है पोस्टपोन किया जाता है, सितंबर से पहले आप उम्मीद मत रखना कि एग्जाम होगा। सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे, आई थिंक यही बात जो हुई थी यही सबने देखा। और उसके बाद में एम्स से कांटेक्ट किया गया, एसओपी बनाया गया एंड देन मैंने वीडियो भी डाला और मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए। और बढ़िया बढ़िया कमेंट आप समझ जाओ किस तरह से बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कह रहा हूँ। किसी ने बोला कि अबे तू क्या जानता है, एंड ठीक है हमने सारे कमेंट एक्सेप्ट करे, लेकिन एक ने कहा कि हमारे स्टेट में तो सिर्फ 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर हैं और अगर वहाँ पे अगर अगर किसी को कोरोना हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो जान ज़्यादा प्यारी है बहुत सारी बातें, बहुत बहुत कुछ था। अरे बच्चों, सिनेरियो देखो, मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगी। अगर अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आई थिंक हमको बात समझ में आएगी भी। देखिए, गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है मैंने आपको वो बताया। ठीक है, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ना मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा नहीं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या सिनेरियो है। देखो बच्चों, सपोर्ट आप बच्चों को चाहिए मेरी तरफ से पूरा है। अगर आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूँ, होगा नहीं होगा अभी कैसे कैसे आप बता सकते हो। अभी इस टाइम पे सिनेरियो ऐसा है कि हम इस टाइम पे प्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं एग्जाम होगा नहीं होगा। एक ने कहा देख मैं एग्जाम कैंसिल कराऊंगा। देखिए, एग्जाम कैंसिल कराना कोई बात ऐसी नहीं है, हमारे या आपके कहने की वजह से एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ना ही कमेंट में कुछ गलत लिखने से जो है रमेश पोखरियाल जो है वो सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे और जो एग्जाम है कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम कैंसिल होने की बात जो है ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ ये बात है। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल वर्ड ना बोल के हम कुछ और बोल सकते हैं, कैंसिल की जगह अभी फर्दर पोस्टपोन होना चाहिए। मैंने अपना पर्सनल जो मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला कि इनको ये 1 महीना 2-2 महीने ये बार बार शिफ्ट करते चले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। सीधा इनको एक डेट देनी चाहिए, अब इनको जनवरी में एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए और जनवरी में इस कंडीशन के साथ एग्जाम कराना चाहिए कि जो बच्चे अभी 12th में हैं वो बच्चे जनवरी वाला एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, इनको साल में 2 बार वाला, अब क्योंकि सिचुएशन देखो ऐसी है कि इस साल स्पेशली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस साल के लिए तो आपको करना पड़ेगा, तो ये ईयर आपको 2 बार, आपको एक ईयर में 2 बार जेई कराना का कैंसिल करना पड़ेगा आप लोगों को। आपको जनवरी में जेई का एग्जाम करवाना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो अभी करंट वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम बाद में लेना चाहिए, यानी उनका एग्जाम अभी वो 12th में बिजी है, उनका एग्जाम जनवरी में नहीं लेना चाहिए। उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्योंकि वो भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो भी अलग तरीके से परेशान है। तो जो मेरे को लगता है सितंबर में लेना चाहिए, फिर बाद में बोलेंगे अक्टूबर में लेना चाहिए, बाद में बोलेंगे दिसंबर में ले लेंगे, बाद में बोलेंगे जनवरी में ले लेंगे, और सिचुएशन अभी थोड़ी सी तो कभी तो ठीक नहीं है। हालांकि वैक्सीन का जो है न्यूज़ आ चुकी है कि वैक्सीन जो है आने वाला है जल्दी, तो मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो बच्चों ये बनता नजर आ रहा है कि अगर सारी सिचुएशन ठीक रही, भगवान ने अगर चाहा और हम सब अगर चाहेंगे कि एग्जाम जो है होने चाहिए, बिल्कुल कैंसिल नहीं होने चाहिए। कैंसिल वर्ड मत बोलो बच्चों, क्योंकि कैंसिल होने से मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मेरी तो पढ़ा, हमारी तो एजुकेशन हो गई। आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंसिल होने के 2 नुकसान हैं। कई सारे बच्चे जो है कैंसिल के उपको पकड़ के बैठे हैं। कैंसिल होने का सबसे पहला नुकसान है, जो बच्चे 12th क्लास में हैं वो आपके साथ एड ऑन हो जाएंगे और आपका कॉम्पिटिशन सीधा डबल हो जाएगा, एकदम से डबल हो जाएगा, और लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उतनी की उतनी है। तो दैट इज वन प्रॉब्लम कि आप समझने की कोशिश करो कि आपको लॉस होगा इसमें। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है आपका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा, आपकी लाइफ का पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। तो इसको हम किसी तरीके से थोड़ा सा हम साइकिल को चेंज कर सकते हैं ना। हम ये चाहते हैं कि किसी बच्चे का 1 साल खराब हो, हम ये चाहते हैं कि वो जो साल है वो रिड्यूस होके 4 या 5 महीने में बन के रह जाए, ताकि 1 साल जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, वो आगे जाके रिकवर किया जा सकता है। तो एग्जाम कैंसिल करने की बात मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, हम इसमें गलत सोच रहे हैं। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाना चाहिए, आप कितने बच्चे जो है चाहते हो कि एग्जाम कैंसिल हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक पोल डाल रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम कैंसिल ही हो जाए, बिल्कुल इस साल कैंसिल ही हो जाए, मतलब हो ही ना एग्जाम, कोई बात नहीं हमारी एक साल जाती जाए, कोई बात नहीं अगले साल हम डबल कॉम्पिटिशन होगा, कोई बात नहीं हम डबल मेहनत कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो कम्युनिटी पोस्ट में आप अपना पोल जरूर दो, सो दैट आपकी ओपिनियन जो है मुझे पता चले और मेरे ख्याल से सबको पता चले कि आपकी ओपिनियन क्या है और मेजोरिटी क्या चाहती है। बने रहेगा मेरे साथ में, आगे अपडेट करता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी अपडेट्स जो है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी होगा जैसे भी होगा, और
आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का, जब तक ये सब सिचुएशन चल रही है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भरो। कई सारे बच्चों, एक पेरेंट्स का फोन आया कह रहे हमने तो जेई का फॉर्म ही नहीं भरा है। कई सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने जेई का फॉर्म ही नहीं भरा है, कई सारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म, थोड़े देर मत फोन आएगा सर हम डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमारा एडमिशन करवा दोगे? तो मैं किसी को डीयू में एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ अगर अगर उसने फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको डीयू का फॉर्म भरा हो, आप सारे फॉर्म्स भरो, जितने फॉर्म्स निकल रहे हैं सारे फॉर्म्स भरो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली से पूछो, आई एम देयर टू हेल्प यू। इसी के साथ में बने रहेगा मेरे साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सीरीज आ रही है अभी इस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, किस किस में अल्टरनेटिवली एडमिशन लिया जा सकता है। हर किसी को बीटेक करनी है, हर किसी को इंजीनियर बनना है, बट अगर सारे इंजीनियर ही बन जाएंगे तो टीचर कौन बनेगा, साइंटिस्ट कौन बनेगा, रिसर्च कौन करेगा? फॉरन अब्रॉड में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा रिसर्च एरिया है। अगर आप जर्मनी वगैरह जाना चाहते हैं रिसर्च में बहुत स्कोप है। बने रहेगा मेरे साथ में, बताता रहूँगा धीरे धीरे, देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से इवॉल्व करते हैं, एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे नॉलेज, ठीक है, एवोल्यूशन। इंस्टाग्राम, बाय।